टाइगर और एजेंट जोया को रॉ और आईएसआई की फाइल्स में गुमशुदा करार कर दिया गया। इंडिया की रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई आज तक टाइगर और जोया को दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब भी दुनिया के अलग अलग शहरों में उनके देखे जाने की खबर मिलती रहती है। हाँ, मगर आज तक यकीन से कोई नहीं कह पाया कि टाइगर और जोया ही थे। दोस्तों, शाहरुख खान की मस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 को हिट कराने के लिए उनके मेकर्स ने चली है एक बड़ी चाल। दरअसल सलमान खान ने शाहरुख खान की फिल्म पठान में एक जबरदस्त कैमियो सीन किया था और वही सीन अब सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड में भी चल रहा है। दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म टाइगर की शूटिंग में बहुत व्यस्त है। सलमान खान की इस फिल्म को 10 नवंबर 2023 को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया जाएगा। यूं तो टाइगर 3 को लेकर कहा जा रहा था कि इस फिल्म में शाहरुख खान का भी कैमियो रोल होगा, क्योंकि शाहरुख खान की हिट फिल्म पठान में सलमान खान ने अपना कैमियो रोल किया था। अब सलमान खान की फिल्म टाइगर में पठान के उसी सीन को दोबारा से दिखाया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद टाइगर 3 से जुड़े हुए सूत्रों ने दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म जवान की शूटिंग में व्यस्त है। हालांकि टाइगर 3 में सलमान खान और शाहरुख खान के सीन के लिए शाहरुख खान 7 दिन तक उस फिल्म के लिए शूटिंग करेंगे। हालांकि पठान फिल्म के मेकर्स ने अपने उस फिल्म के सीन को टाइगर 3 में डालने के लिए दोबारा से रिक्रिएट करने के लिए कहा है। दोस्तों, इसी के साथ एक खबर और सामने आई है कि सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 में शाहरुख खान और सलमान खान के फिल्म के स्क्रीनिंग की टाइमिंग और बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि पठान फिल्म में इन दोनों की जोड़ी को इतना पसंद किया गया, इसके लिए फिल्म मेकर इस जोड़ी को और ज़्यादा टाइम तक दिखाना चाहते हैं टाइगर 3 में। टाइगर 3 फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन इन दोनों के सीन को डालने के लिए दोबारा से इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई है। शाहरुख और सलमान की केमिस्ट्री लोगों को इतनी अच्छी लग रही है कि इस फिल्म में और उनके सीन दोबारा से डाले जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शाहरुख और सलमान की जोड़ी ने जो धमाल मचाया था पठान मूवी, वही धमाल को टाइगर 3 में भी मचा पाएंगे या नहीं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारी वीडियो में अगर कोई आपको सुझाव देना हो तो वो भी हमें आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।